हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया एक नई वीडियो के साथ। फोटो एडिटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, फोटो एडिटिंग की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, चलिए हम फोटो एडिटिंग स्टार्ट करेंगे आज। तो आज की जो सीबी एडिट होगी वो आपको मैं चेक करके बताता हूँ किस टाइप की हमारी आज सीबी एडिट होगी। एक मिनट फ्रेंड, लॉक लग गया है। कुछ इस तरह की आज सीबी एडिट करूँगा मैं, और ये मेरा लोगो है। और कुछ इस तरह की क्रॉप करके रख लेना आप। इसकी ओरिजिनल पिक मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये हमारी ओरिजिनल पिक है, इसे हम आज सिर्फ एडिट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स। और स्टेप वन पे चलते हैं फ्रेंड्स। स्टेप वन हमारा है रियल फ़ोटो से अपनी फ़ोटो को रिमूव करना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्नैपसीड में जाएंगे हम। स्नैपसीड में जाने के बाद हाईलाइन में जाएंगे। हाईलाइन आपको पता है फ्रेंड्स, ये रेड रेड जहाँ तक कोमो मार्क आ रहा है वहाँ वहाँ से अपने रियल फ़ोटो को रिमूव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक कमेंट बहुत ही जरूर कीजिए, और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। शेयर आप लोग करते नहीं हो मेरी वीडियो को, तो प्लीज़ शेयर और जरूर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से हमारा हो चुका है रियल फ़ोटो से, ऐसे हो गया। ये देखिए बैकग्राउंड अलग हो गया, तो इसे डन कर लेता हूँ। ओहो फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक्सप्रेशन और चमक तो डाली ही नहीं फ्रेंड्स। 2 मिनट फ्रेंड्स, मैं इसे दोबारा ऐड करके दोबारा डाल लूँगा। एक मिनट फ्रेंड्स, हम इसे दोबारा ऐड कर लेते हैं स्नैपसीड में। इसकी एक्सप्रेशन और चमक थोड़ी बढ़ा लेते हैं। एक्सप्रेशन मैंने 100 कर दिया है। डिटेल्स में जाएंगे, सैचुरेशन में 100 कर लेंगे और सेव कर लेंगे। फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और एक कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ फ्रेंड्स। स्टेप 2 हमारा है कलर सेटिंग। बैकग्राउंड कलर सेटिंग करेंगे हम, जो हमारी बैकग्राउंड को सिर्फ 2 ही कलर रहने चाहिए उसकी सेटिंग कर लेंगे। मैं इधर बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। तो ये बैकग्राउंड हमारा ऐड चुका है। अब इसको मैं यहाँ से एडिट करूँगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले नोजी इफेक्ट मार लेंगे इसमें। एक्सपोज लाइट को थोड़ा कम कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा ज़्यादा, कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट्स फुल मीडियम रख लेंगे अपने हिसाब से। शेडो और ये थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। मैं ग्रीन को फिर से ऐसे करूँगा, येलो फुल कर लूँगा, स्काई ब्लू एक्सप्रेशन सबके अब 100 माइनस रहेंगे फ्रेंड्स। तो मैं इसमें क्लैरिटी डाल देता हूँ और थोड़ी सेव कर देंगे, और लेंस प्रोफाइल ओपन कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब इसको पिक्सआर्ट में लेके जाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और कमेंट बहुत ही ज़रूरी है, और शेयर प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को, ताकि मेरी चैनल अच्छी तरह चल जाए फ्रेंड्स। मैं वीडियो आपके लिए जल्दी जल्दी लाया करूँगा जब मेरा अच्छी तरह चैनल चल जाएगा।
तो मैं जो ये PNG इसमें यूज़ करूँगा तो वो PNG आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इस PNG को मैं 2 बार ऐड करूँगा फ्रेंड्स। ये मैंने PNG ले लिया है, सिंपल डॉट डॉट है इसमें, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे और हाईलाइट्स बढ़ा लेंगे। ओके कर लेंगे, फिर दोबारा एडजस्ट में जाएंगे, फिर दोबारा ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे फ्रेंड्स, और फिर से हाईलाइट्स बढ़ा लेंगे, फिर दोबारा, इसके बाद फिर। हो गया फ्रेंड्स, अब इस दूसरे वाले को चखेंगे फ्रेंड्स। अब इसे हम थोड़ा फिर हाईलाइट्स इसकी बढ़ा लेंगे और ब्राइटनेस और हाईलाइट्स दोनों बढ़ा, शेडो भी फुल कर लेंगे फ्रेंड्स और हाईलाइट्स भी, ये तीनों हो गया है। एक बार फिर डन कर लेंगे। अब इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेंगे, ऐसे ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से सेव कर लेंगे। अब इफेक्ट में जाएंगे फ्रेंड्स, कलर्स में जाएंगे, स्प्लैश कलर मार देंगे, जहाँ सिर्फ येलो पे टच करके कर लेना है। हमारे 2 ही कलर रहने चाहिए बैकग्राउंड के अंदर, मैंने आपको बताया है बहुत ज़रूरी, 2 कलर से हमारे CV एडिट में सिर्फ 2 ही कलर रहने चाहिए, जोन से मर्जी 2 रख सकते हो, मगर थोड़ी मैचिंग बहुत ज़रूरी है। अब मैं ड्रॉ में जाऊँगा और बैकग्राउंड सेव कर लूँगा। तो फ्रेंड्स ये रहा वो बैकग्राउंड, 1 मिनट फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 हमारा बुकन इफेक्ट, जो CV का बेस्ट ब्लर है, बेस्ट इफेक्ट है, वो हमें ज़रूरी करना होता है। तो स्नैपशीट में मैं इस पिक को लेके जाऊँगा। अब इसमें मैं ड्रामा इफेक्ट मार दूंगा फ्रेंड्स। ये क्लैरिटी डाल दी, ड्रामा इफेक्ट हो गया फ्रेंड्स। तो लेंस ब्लर मार लेंगे इसमें हम कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स। ये देखिए कितने अच्छे बुकन इफेक्ट बन गया है। फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक कमेंट बहुत ही जरूर कीजिए, जिससे मेरे को पता चले मेरी वीडियो कितनी अच्छी बन रही है। तो डिटेल्स में जाके इसकी मैं शाइनिंग बढ़ा दूंगा बैकग्राउंड की। तो मैं इसे अब सेव कर लेता हूँ, इसकी सिचुएशन को देख लेते थोड़े। तो सेव कर ली मैंने फ़ोटो। फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर बहुत ही ज़्यादा कीजिए, ताकि मेरा ये चैनल अच्छी तरह चल जाए। आप लोगों की मदद से मेरे 800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बहुत ही जल्द 1000 भी हो जाएंगे। स्टेप 4 की तरफ चलते हैं फ्रेंड। तो स्टेप 4 है हमारा, फ़ोटो को ऐड करके फ़ोटो की अच्छी तरह क्लैरिटी लानी। अब इस फोटो में हम पिक्सआर्ट को, इसी बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में ले जाएंगे। जो इसका बैकग्राउंड कलर सेटिंग होगी वो सारा फ़ोटो लगने के बाद ही होता है फ्रेंड्स, जो हल्की मोटी रह जाती है, हल्की बहुत रह जाती है, और फ़ोटो के अंदर शाइनिंग भी डालनी होती है। तो क्रॉप करी हुई पिक को मैं यहाँ से चक लेता हूँ फ्रेंड्स, गैलरी में जा लूँगा, चले जाऊँगा, पिक ऐड कर लेता हूँ। ऑटो डेस्क में मैंने पिक सेव की हुई है। ये रिफिको। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस यहाँ मैं ड्रो में इसे पिक इसलिए चखता हूँ कि वो पूरी परफेक्ट जहाँ पर होती है वहीं पर ही आती है। तो मैं इसे यहाँ से सेव कर लूँगा। ओ सॉरी फ्रेंड्स, मैं लोगो लगाना भूल गया अपना, मैं अपना लोगो लगा लेता हूँ। तो यहीं से मैं रिटर्न आ चुका हूँ, अब मैं यहाँ से अपना लोगो ऐड कर लूँगा। प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, तो ज़रूर करिए, जितना हो सके उतना ही लाइक्स कीजिए मेरी वीडियो और कमेंट कीजिए, और शेयर तो भूलिए मत, शेयर बहुत ज़रूरी है, शेयर ज़रूरी कीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लोगो सेट कर लिया है, अब मैं इस पिक को सेव कर लेता हूँ ड्रो में जाके। अब मैं लाइट रूम के अंदर इस पिक को ऐड कर लूँगा। तो पिक्सआर्ट के फोल्डर में से मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। पिक्सआर्ट कहाँ गया, ये आ गया फ्रेंड्स। तो मैंने इस पिक को यहाँ पे ऐड कर लिया है।
अब इसमें हमने क्या करना है, अपने कलर सेटिंग करनी है फुल पिक की, जितनी भी हमारी ऑल पिक जैसे प्रॉपर पिक है ना, हम इसकी कलर सेटिंग कर लेंगे। देखिए हमारे कपड़ों का कलर कैसा है और फेस का कलर कैसा है, तो इसके ऐसे कर लेंगे। तो मैं इसकी सेटिंग करूँगा, तो सबसे पहले तो हम नोज़ी इफेक्ट मारेंगे, जिससे हमारी पिक पे थोड़ा थोड़ा ऑयल आ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, एक्सपोज को थोड़ा सा अपने हिसाब से रख लेंगे, ज़्यादा नहीं। कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा मीडियम में रख लेंगे, हाइलाइट्स ठीक ठाक रख लेंगे, और शेडो और ये वाइटनेस हो गया हमारा सेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब कलर्स में जाएंगे हम। सबसे पहले येलो को हम इस 100 माइनस में ले जाएंगे और सेचुरेशन उसकी 100 प्लस कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फेस पे थोड़ा सा रह गया है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अब रेड वाले को हम यहाँ पर ले जाएंगे, यू को 87 पे। यहाँ से हमारा फेस का डन हो चुका है, बाकी सबके सेचुरेशन हम 100 माइनस रखेंगे फ्रेंड्स। अब मैं इसमें पिक में क्लैरिटी डाल देता हूँ, 60 कुछ डाल दिए मैंने, और ये लेंस प्रोफाइल ओपन करके पिक को मैं सेव कर लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे फेस पे थोड़ा से बैकग्राउंड पे चमक डालूंगा और मैं कपड़ों पे डालूंगा, और फेस के ग्लो ग्लो कितना अच्छा आएगा फेस पे वो देखना फ्रेंड। ग्लो मतलब कितना अच्छा गोरा दिखेगा हमारा फेस, कितना अच्छा शाइनिंग आएगी, तो मैं वो आपको वही सिखाऊंगा। तो अब हम इस पिक को स्नैपशॉट में ले जाएंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक कमेंट बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, और शेयर तो भूलिए मत। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो इसमें मैंने क्लैरिटी डाल दिया डिटेल्स में जाके। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी क्लैरिटी आ चुकी है पिक के अंदर। अब मैं इसको प्रो राइट पर ले जाके 2 मिनट फ्रेंड्स, अब फेस ग्लो होएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने है, फेस स्मूथ हो जाएगा यहाँ से, और आईज की क्लैरिटी आ जाएगी, वो देखिए कितनी वाइट हो चुकी है। तो इसको दोबारा से मैं एक बारी और कर लूँगा, और फिर से मैं स्मूथ कर लूँगा, और आइस क्लैरिटी फुल रख लूँगा। बाकी जो हमारे चेहरे के बिल्कुल अंदर रह गया, उसे मैं यहाँ से सेट कर लूँगा क्लेरिफिकेशन में। यहाँ पे हम प्लस का निशान है वहाँ पे से। ये देखिए फ्रेंड, ब्राइटनेस हो गया है, क्लैरिटी थोड़ी कम करेंगे, सेचुरेशन थोड़ा कम कर लेंगे, इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। ओके फ्रेंड, इस हिसाब से अपनी पिक को हम एडिट कर सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गया, देखिए इस हिसाब से हमारी फेस ग्लो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब बहुत ही ज़रूरी है, प्लीज़ ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि मेरा चैनल बहुत ही जल्द चल जाए फ्रेंड्स। ये आप लोगों की मदद से ही चलेगा, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ मैं आप लोगों के लिए वीडियो देख सकता हूँ, और आप लोग उसे शेयर कीजिए, और आपके सपोर्ट से ही मैं एडिटिंग करूँगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। तो ठीक है, बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय बाय। ये देखिए ऐसी सी एडिट।